हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपको आज का टाइटल देखते ही पता चल गया होगा, आज का वीडियो कोई गेम प्ले के बारे में नहीं है। मैंने एक नया ईयरफोन ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, जो गेमिंग ईयरफोन है बोल रहा था, ठीक है। CLAW क्लो G30। चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं असल में ये चीज़ कैसा है। और ये अनबॉक्स का वीडियो है, और दो तीन दिन गेम खेलने के बाद मैं रिव्यू भी कर दूंगा कि हेडफोन क्या है, कैसा है। चलिए अभी के लिए सिर्फ अनबॉक्स करते हैं, इसको फटाफटक से खोल लेते हैं। कहाँ यार, सीजर वगैरह कहाँ है, देखते हैं। चलिए, ओके, एक सेकेंड। पैकिंग अच्छा है, पैकिंग मस्त है यार, खोलने का किधर से। ओके, चलिए फट फाट करके निकाल लिया। देखिए, ये है क्लो 3D साउंड G13 गेमिंग एयरफोन। मैंने अमेजोन पढ़ा था, कमेंट वगैरह अच्छा था, इसलिए मैंने वो किया, और यूट्यूब में भी अच्छा था वीडियो। चलिए इसको टोटल पूरा खोलते हैं, खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ है। आज मैं गेमिंग टेस्ट वगैरह नहीं करूँगा, सिर्फ बॉक्स ओपनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गेमिंग टेस्ट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी के लिए सिर्फ ओपनिंग करते हैं। अच्छा, ओके, ये है बॉक्स। अंदर कुछ छोटा सा एक दिया हुआ है, ये क्या है? ट्रिपल ड्राइव गेमिंग हेडफोन, एक वारंटी कार्ड है ये, ठीक है, इसको रखिए साइड में। ओके, ये एक्स्ट्रा वो दिया हुआ है, और इसका अच्छा बात है, अगर आप लैपटॉप में भी यूज़ करना चाहते हैं अलग से दिया हुआ है इसमें, अच्छी बात है ये। चलिए, ये आपको एक्स्ट्रा माइक, इसमें मुझे यही अच्छा लगा, इसमें एक्स्ट्रा माइक फिटिंग है, आप चाहते तो एक्स्ट्रा माइक लगा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम लोग सेंटर से बात कर सकते हैं इसमें। ओके, देखने में तो मज़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें मुझे ये क्या ठीक लगा ना, बेस कम है और 3 ड्राइव है इसमें, तीन ड्राइव है अलग से। देखिए, हम लोग नॉर्मल हेडफोन में एक ही होता है, इसमें तीन दिया हुआ है, और राइट और लेफ्ट का अलग से इसमें दिया हुआ है। और अगर आप अपना साउंड कम करना चाहते हैं, इधर ही है साउंड कम करने का और इंक्रीज़ करने का बटन। और वॉल्यूम, आपको अगर दोस्त लोग से गेमिंग में बात नहीं करना है तो आप म्यूट भी कर सकते हैं, उसका भी अलग से इधर बटन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बात साउंड का बात करना है नहीं करना है टोटल दिया हुआ है, और म्यूज़िक वगैरह चेंज करने के लिए भी पॉज बटन दिया है इसमें बस। और आपको वायर बहुत लंबा है, नॉर्मली वायर से गेमिंग से अच्छा है, वायर लंबा ही है, इतना काफ़ी है गेमिंग के लिए। और ये आपका नॉर्मल सिल्वर प्लेटिंग नहीं है, गोल्ड प्लेटिंग है, इससे अच्छा रहेगा, आपको वॉइस क्लियर हो बहुत अच्छा आएगा। और क्या, बस आज का वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब ये हेडफोन मैं पूरा चेक कर लूँ, उसके बाद गेम रिव्यू देता हूँ। अभी अर्जेंट करके मत खरीदिएगा, लेकिन ये हेडफोन का एक अच्छा बात क्या लगा, आपको इधर ही बटन में सब मिल जाता है, बात करना है नहीं करना, और ट्रिपल ड्राइव अलग से आपको एक हेडफोन मिलता है, ठीक है। और ये वायर थोड़ा मोटा है, नॉर्मली हमारा हेडफोन से ये वायर बहुत मोटा है, अच्छा है, फिनिशिंग अच्छा दिया हुआ है वायर के अंदर, ये प्लास्टिक नहीं है, शायद कुछ कपड़ा जैसा है, कुछ कपड़ा जैसा दिया हुआ है, बाहर से वायर का बाहर से प्लेटिंग किया हुआ है। देखिए, कवरिंग है, नॉर्मल वायर,
अच्छा चलिए ओके, आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको गेम टेस्ट करके, 2-3 दिन गेम टेस्ट करके आपको बताता हूँ ये गेमिंग के लिए ठीक है या नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।